Are you having self care? Yes, sir. Are you having self desire? Yes, sir. Self motivation? Yes, sir. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको लगता है कि चाय में चीनी कम होने से तलाक हो गया, खाने में नमक कम होने से तलाक हो गया, रोटी जलने से तलाक हो गया। वो रोटी जो जली है तलाक उससे नहीं हुआ है, जो चीनी कम है वो तलाक उससे नहीं हुआ, हार्ड स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स की कमी थी इसलिए तलाक हो गया। 85% ऑफ द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर सॉफ्ट स्किल, 15% ऑफ द प्रमोशन डिपेंड्स ऑन द सॉफ्ट स्किल्स, 20% ऑफ द सैलरी इंक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्ट स्किल्स। दीज आर द रिसर्चेस, इट्स नॉट अब्दुल्लाह वर्ड्स, इट दीज आर द रिसर्च वर्ड्स एक्चुअली। अगर ये हमेशा लेके चलेंगे जिंदगी में आपकी कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं होगी। 70-30 क्या है, 70% सामने वाले की जुबान खुलवाओ, 30% अपनी खोलो, 70% अपने कान खोलो और 30% अपनी जुबान खोलो। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुनिया में अगर कोई किसी को इंप्रेस करना चाहे उसको सुन ले दिल से। यस आई एम प्लेइंग, आई एम बिजी इन जस्ट प्लेइंग द फुटबॉल। या तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, गम हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, बी जॉली, बी हैप्पी। आज भी इंग्लिश इसलिए लोग नहीं बोल पा रहे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उनके मन में एक डर है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, जो इंग्लिश बहुत हार्ड है, सच बता रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ सपोर्ट, एंड इफ दीज 8 वर्ड्स आर विथ यू, यू विल नेवर हैव सेल्फ डाउट। So today we are going to have a very special and tremendous session, but before I begin the session I would like to say that we all are improving, I hope, and if you are improving it's a good news, if you are not improving it's a bad news, and if you have some bad news please convert into good news because you are the writer, likhne wale lekhak aap hi hain, to likhte rahiye, aur kyunki badi pyari si kahawat hai ki barish mein aur saawan mein bhi jo hai khet jalte rahe, गांव ऐसे ही कपड़े बदलते रहे, लोग मेरी मौत के बारे में सुनकर लोग अपने लोगों के दिल यूं ही बहलते रहे। तो कुछ ऐसी चीजें नहीं करना है जो रियल में है नहीं, राइट? आपके दिल नहीं बहलेंगे, मुझे पता है, बहल गए क्या? नहीं समझ में आया ना, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, आप जैसे लोगों के लिए क्लास बहुत हार्ड हो जाएगा राइट? और जो कि आप उर्दू पढ़े हो और जो उर्दू नहीं समझ में आ रहा है, राइट? तो ये बहुत शर्म की बात है। अब मैं बोलूं अंत माफी मालूम तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब क्या वो धीरज को समझ में आएगा, राइट? वैसे धीरज को समझ में आ भी जाएगा क्योंकि वो दुबई में रहे हैं, राइट? यू नो हाउ टू जस्ट प्रोनाउंस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिस्टर ज़ीशान, से इट। अब सही समझ में आया लग रहा है, अब फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो समझ में आता है कि नहीं। सावन में खेत जलते रहे, सावन में कैसा हो सकता है खेत जले? नहीं। तो अब शायर क्या कह रहा है, सावन में खेत जलते रहे, गांव यूं के यूं कपड़े बदलते रहे, और जब मेरी मौत की खबर लोगों ने सुने तो उनके दिल यही सुनकर बहलते रहे। समझ में आया बात क्या? नहीं समझ में। चलो अब आपको थोड़ा सा, आपको मेंटली इलाज की जरूरत है, अब आप थोड़ा सा थोड़ा और लगाओ जोर, इसको लिख लो कहीं, फिर समझ लेना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवे वेलकम बैक वंस मोर टू द सेशन एंड टू द क्लास, एंड नाउ वी आर हियर बिकॉज डेल कार्नेगी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डेल कार्नेगी इज अ फाउंडेशन इन अमेरिका एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इन अमेरिका, एंड दे बोथ डिड अ रिसर्च, एंड दिस रिसर्च फाउंड दैट द मोमेंट यू जस्ट यू नो अपग्रेड योर सेल्फ एंड अपडेट योर सेल्फ एंड you know you improve and transform yourself and you find yourself in a very good way, because Harvard University and Dale Carnegie Foundation told that 85% of the success depends on just your soft skill, and today you are sitting in this hall, and since like for a long time you have been coming to this seminar, this station, this training institution, so you are coming here for developing your soft skill. And if you are not able to develop your soft skills, it means that you will have only hard skills. And hard skills gives you success just by 15%, not by 85%, right? So 85% success goes to the soft skill. Let's have a common example. There is no exactly the qualification, the hard skill required for the politics, but the politicians run the country.
If you talk about the entrepreneurs, the solopreneurs, the business people, there is no education, professionally no education is required. But finally, you see that they rule the country and they hire the MBA, the PhD people, that they work there, right? So it is just all about their soft skills. It is all about their mental attitude. It is all about their leadership skills. It's all about their visionary thoughts. It's all about their communication skills. It's all about their team management. It's all about their business handling process. It's all about their, you know, thought process. It's all about their mental attitude, and it's all about their broadened thoughts and broadened minds. And that is why we all must acquire, let it come, right? Aane de bhai, aane de. Aane de bhi, aane de. Jo bhi aa raha hai, aane de. It's like, you know, let it come. Because somewhere, hum maan lo ki ek choti si cheez hamare saath ho jaye, kisi se hamari thoda na bane aur thoda wo naraaz ho jaye, rishta kharaab ho jaye, to what we do, hum kya karte hain, we just think, hum sochte hain. We think, we go back to our home, we think why it happened, actually, you know, I did not mean to hurt him or hurt her, but it happened, unfortunately, I just, you know, make a call and apologize, I'm sorry sir, actually, I did not mean that, I did not intend that, you make a sorry. Jaise aap sorry bolte hain, and the person says, arre yaar, I'm also sorry, yaar, meri bhi niyat nahi thi. Yehi toh hai aapke soft skills. Hello sir, aap aaj khane mein kya lenge sir? Acha sir, sir, paneer sir aaj nahi hai, toh paneer ke jagah mein sir, bhindi khila do. Ab sir ko pyar se aapne bola na, तो वो पनीर की जगह भिंडी खा लेंगे, लेकिन आपने कहा कि पनीर नहीं, निकल लो, पनीर है ही नहीं आज अवेलेबल, कोई बात नहीं, बावर्ची है नहीं, गो बैक. इट मींस दैट योर सॉफ्ट स्किल इज समवेयर अफेक्टेड. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. एंड देखिए, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट ज्यादा हार्ड नहीं होगा. तो चीज़ें कॉमन है, बट इसको समझने, कल हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव फाइव फोर पिलर्स ऑफ बॉडी, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स को देखे थे. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. वी कैन यूटिलाइज सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. सबसे पहले कॉमन सी चीज़ है, व्हेन वी टॉक अबाउट कि यार बड़े सॉफ्ट दिल का है, यार बड़े मुलायम दिल का है, बड़े हार्ड दिल का है, तो बड़े मजबूत दिल का है. अब सॉफ्ट हार्ड यहीं पर हमें समझ में आ गया. आप तो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, बड़े मुलायम नेचर के हैं, बड़े प्यारे हैं आप, आप बहुत हार्ड नेचर के. तो सेम वे, व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, इट इज वेरी सिंपल थिंग. यू आर मेकिंग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, यू आर मेकिंग कंप्यूटर, डेस्कटॉप, यू नो, मॉनिटर, दीज ऑल आर जस्ट हार्ड स्किल्स, राइट? व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट रिपेयरिंग समथिंग, मैकेनाइजिंग समथिंग, ऑलराइट, जस्ट ऑपरेटिंग समथिंग, एंड जस्ट, यू नो, बिल्डिंग समथिंग, डूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड हार्ड स्किल, राइट? Everybody acquires hard skills. Like you would have seen in your life, max number of the times that people complete B.Tech and M.Tech, they come back, sir, I'm not getting job. Why? Why are you not getting job? You ask a question. Why are you not getting job? The answer is simple. I fail in interview. Why, sir? Do you fail in interview? Sir, I have acquired hard skill actually, but I don't know how to crack interview. I don't know how to communicate with the interviewer. That's the exact point that people get failures. That is why the Dale Carnegie Foundation and the Howard University just did a research, and it found that 85% of the success depends upon your soft skill. 15% of the promotion depends on the soft skills. 20% of the salary increment depends on the soft skills. These are the researches. It's not Abdullah's words. These are the research words actually, right? So when you talk about soft skill, जब आप soft skill की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 85, 15, 20% ये सारे percentage आपके बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास एक soft skill है तो, right? तुमने मुझे कितना गम दिया, मैंने तुम्हें मलहम दिया, यही तो है soft skill. Right? तुमने मुझे कितना रुलाया, मैंने सिर्फ तुमको हंसाया, यही तो है सॉफ्ट स्किल. तुमने मुझे मुझे कितने ताने दिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुआएं की, यही तो है सॉफ्ट स्किल. दिस आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, 85%, 15%, 20% फॉर एग्जाम्पल. एंड नाउ हार्ड स्किल्स हमें समझ में आ गई कि भाई हार्ड स्किल, हमें कोई टेक्निकल स्किल्स हमारे पास है, वो हमारी हार्ड स्किल्स है. लेकिन यहां पे सॉफ्ट स्किल की अगर बात करें, तो वी विल मेक अ सर्कल, एक सर्कल बनाएंगे, एंड वी विल सी दैट व्हाट आर दी सॉफ्ट स्किल्स. व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम स्किल्स, कॉम स्किल्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स. व्हेन यू टॉक अबाउट LS, लीडरशिप स्किल, इट इज एक्चुअली सॉफ्ट स्किल. व्हेन यू टॉक अबाउट टीम मैनेजमेंट स्किल, एक्चुअली इट इज सॉफ्ट स्किल, इट्स नॉट ट्रेडमार्क, इट्स टीम मैनेजमेंट, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट IS, इंटरपर्सनल स्किल्स, इट इज एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स. When you talk about intrapersonal skills, it is actually soft skills. When you talk about when you talk about relationship building skills, these are also soft skills. When you talk about management skill, these are also soft skills. When you talk about operational skills, these are also soft skills.
When you talk about customer handling, it is also soft skill. When you talk about social skills, it is also soft skills. When you talk about emotional skills or emotional intelligence, this is also soft skills. You talk about IQ, intelligence quotient, this is also somewhere the soft skill. You talk about the AQ, adversity quotient, this is also somewhere soft skills. You talk about SQ, social quotient or spiritual quotient, this is also somewhere soft skills. So when you talk about soft skills, I have made a circle and I have written the points that these points are in your soft skills. These points are in your soft skills. And these soft skills are really very important. For example, you have a computer, right? And you know how to actually mechanize computer, how to actually maintain, repair computer. That is called hard skill. Because you know ki motherboard yahan pe lagega, iska RAM yahan lagega, ROM yahan lagega, iski hard disk idhar lagegi. So these all are VGA cable idhar lagega. These all are hard skills because that's a technical skills. But उसके लिए उसको प्रमोट करना, उसका प्रचार करना, उसकी बातचीत करना, उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करना, लोगों को लीड करना, कंप्यूटर कैसे बिकेगा मार्केट में, ये विजनरी थॉट्स बनाना, उसके बारे में आगे का सोचना, ये सारी क्या है? सॉफ्ट स्किल है. सॉफ्ट स्किल दिखती नहीं है, होती है. हार्ड स्किल होती है, दिखती कम है. अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको लगता है कि चाय में चीनी कम होने से तलाक हो गया, खाने में नमक कम होने से तलाक हो गया, रोटी जलने से तलाक हो गया. वो रोटी जो जली है, तलाक उससे नहीं हुआ है. जो चीनी कम है वो तलाक उससे नहीं हुआ, हार्ड स्किल्स है. सॉफ्ट स्किल्स की कमी थी इसलिए तलाक हो गया कि अरे यार चाय में चीनी कम है, दोनों चीयर करके पियेंगे. चीयर अप, सॉफ्ट स्किल अच्छी है ना, हार्ड स्किल साइड हो गई. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? I'm giving a little motivational line, but it is all about our lives, you know, balancing, right? Our lives management. So we need to understand this, right? When we talk about these points, so these points are really very important, right? Because max number of the times I have seen the people, you know, getting very happy life and enjoying their lives. And max number of the people I have seen that they fight always like cats and dogs. And I just try to find out the reason why this happens. They have money, they have this and they have that. In metro cities, you go to each and every kid and child, you will find, you will leave one child or two child, you will find the third child in the stress, anxiety, depression. Why? They have money. They have car, they have bungalow, they have house, they have flat, they have BHKs and all. They have all the facilities, but the problem is soft skills. They don't know how to handle, you know, lot of burdens, oh my God. Lot of burdens. Child is like, hey God, Burj Khalifa is on my head, Mount Everest is on my head, what can I do now? And mama and papa are acting like a robotic machines, you know, go there, do this coaching, do that coaching, you know. It's like, bhai, mare dala, Allah. So it's like that, is tarike ki cheez ho rahi hai. Kyunki? Because we lack soft skills. So ab sabse pehle hum kuch points yahan pe likhe hain, we will try to understand, sabse pehle samajhne ki koshish karenge. Jaise, humare paas hai team build, team management. Right, we have leadership skills, we have communication skills, right. So communication skills, main choti se bataunga, phir ek ek chapter karke hum aage, इसको पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाए. कम्युनिकेशन स्किल का सिंपल सा फंडा है, आप 70 और 30 का फॉर्मूला याद कर लें. अगर ये हमेशा लेके चलेंगे जिंदगी में आपकी कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं होगी. 70-30 क्या है? 70% सामने वाले की जुबान खुलवाओ, 30% अपनी खोलो. 70% अपने कान खोलो और 30% अपनी जुबान खोलो. ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दुनिया में अगर कोई किसी को इंप्रेस करना चाहे, उसको सुन ले दिल से, दैट पर्सन विल बी इंप्रेस्ड, राइट? और स्पेशली औरतों को. Always, always, and whenever you listen to somebody, जब किसी को आप सुनिए, तो it's very important communication skills में. You just use the empathic nature, you just use the empathic eyes. आपके चेहरे पे empathy होनी चाहिए, आपकी आंखों में empathy होनी चाहिए. अच्छा, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, ये student teacher में ऐसा होता है. Empathy means to feel others emotions. To feel others' emotions. Like, for example, Pratik says something to you, right? If he has some, you know, problems in his life, he says to you, you listen to that carefully, right? And you try to understand that. And you observe it. And you resolve it. That's called empathic listening. Listening bhi kai tarike ki hoti hai. Uspe aage hum baat karenge. Usko zyada lindy class ko nahi karenge. Listening bhi alag alag tarike ki hoti hai. Analytical listening, right? You know, informative listening, demonstrative listening. Usme se sabse important, I understand, main samajhta hu empathic listening. अब यू आस्क टू योर सेल्फ, आप खुद से पूछिए, व्हेन एवर यू लिसन टू समबडी, जब आप किसी को सुनते हैं, डू यू लिसन दैट इन दैट वे? कि माँ की कसम दिल दे दिया मैंने तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि
सातों जन्म पहले मैं मिला था और आज मिल रहा हूं, ऐसा सुन रहा हूं, इट्स लाइक गिवन योर माई हार्ट टू यू, दिल दे दिया तुम्हें आज, ऐसा सुनना है, यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन, राइट। और स्पेशली क्या होता है, जैसे मैंने बहुत सारे लोग अभी भी यूपीएससी के इंटरव्यू करा रहा हूँ और एसएसबी हुआ अभी, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे इंटरव्यूअर कुछ पूछा, ही आस्क्ड दैट, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ओके सर माई फैमिली माई फादर इज देयर, आपने क्वेश्चन पे अटैक मार दिया। अब उसको वो बहुत इरिटेट होगा, इरिटेट क्यों होगा, वो बोला नहीं और आपने पहले झपट्टा मार दिया, इट्स लाइक कि आपने उसकी इज्जत नहीं की, जो कि आप इज्जत कर रहे हैं, बट आपने क्या किया, इंपैथिक लिसनिंग नहीं किया, दैट्स द बिगेस्ट इश्यू। सो यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली, ऑब्जर्व ईच एनीथिंग, दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन इज कर, राइट एवरीवन। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज राइट। माई फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं, घर से खा के निकलो चटनी और जब कोई पूछे तो बोलो पनीर खा के निकल। तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, गम हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, बी जॉली, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी ग्रेट, बी इंस्पायरिंग, बी एडमायरिंग, बी अट्रैक्टिव, बी इंप्रेसिव, बी ब्यूटीफुल, बी हैंडसम, जितना खूबसूरत अपने आप को दिखाना दिखा दो, वो चाहे पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक से, चाहे ड्रेस से, चाहे दिमाग से, चाहे चेहरे की नूर से, कैसे भी करके, लुक योर सेल्फ लाइक यस आई एम द बॉस, आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी। और कुछ लोग हैं जब मिलो, हाय सनम क्या हुआ, बस जिंदगी चल रही है, अरे भाई जी लो, 60 साल में निकल लोगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, राम नाम सत चच्चा मस्त, समझ रहे ना। तो इट्स लाइक कि भैया इंजॉय कर लो, सेलिब्रेट कर लो, पर्सनैलिटी वो दिखाओ, यस मैं जिंदा हूं अभी, अंडरस्टैंड इट। तो दिस इज द थिंग यू हैव टू जस्ट यू नो मेंटेन इन योर कम्युनिकेशन स्किल। व्हेन यू टॉक अबाउट द लीडरशिप स्किल, लीडर्स कैन नेवर बी बॉस, एंड इफ यू बिकम बॉस यू कैन नेवर बी अ लीडर। बॉस सेज डू दिस, लीडर सेज लेट्स डू दिस, बॉस सेज यू हैव टू डू दिस, लीडर से दैट Let's do it, man. Come on together. Boss says that, you know, you did wrong. Leader says, it's our mistake. Right? Boss says, it is the deficiency of your potential. And leader says, no. Somewhere it is the glitch in the company. So leadership is always, you know, and I believe personally, let's say for example, main institute chala raha hu. Yahan se leke, UP mein bhi institute hai, yahan bhi institute hai. मैं चाहता तो एक दो ब्रांच, तीन ब्रांच और खोल के आराम कर सकता था, एक अपनी केबिन बना के बहुत प्यार से, राइट, आराम से अपनी लाइफ गुजार सकता था। लेकिन आज भी मेन टीचर मैं ही हूं, क्योंकि लीडर हैज टू बी हार्ड वर्किंग। जिस दिन आप रुके उस दिन आपका सब कुछ रुक जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, व्हाई, बिकॉज लीडर इज द मेन मिरर, लीडर ही आईना है, और अगर लीडर मजबूत है तो उसके शाखाएं मजबूत है। तो बी अ लीडर, डोंट बी द बॉस। टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट Just give wings to fly. Give wings to fly, your team will be always managed, right? Because I have never seen personally the daughter who gets, or the son who gets more love and more safety and protection in the family, he or she elopes. मैंने देखा है बहुत सारा ऐसा केस, मैं रेयर, मैं ये कह सकता हूं कि चलो कभी हो जाए तो बात अलग। मैंने आज तक उस लड़कियों को भागते हुए नहीं देखा किसी भी साथ, जो गांव में रहती है, जो भी है, जो अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा प्यार मिले उनको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर, घर में अगर इतना ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है ना, तो बाहर का प्यार का ख्याल बड़ा कम आएगा मन में। और अगर घर में ही नफरतों के पहाड़ मार देंगे, काट देंगे, उधर से डांट पड़ रही है, उधर से पड़ रही है, तो सामने वाला बस इतना कह देगा, बाबू कैसे हो, मां की कसम, यू आर माई वर्ल्ड, समझ रहे हो ना, कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा जहान हो। क्यों? क्योंकि घर से नफरत मिल रही है। तो सबसे पहले टीम मैनेजमेंट में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, गिव विंग्स टू फ्लाई टू ऑल योर टीम मेंबर्स, राइट। आई हैव सीन दैट समटाइम्स, जैसे आप जब कन्वर्सेशन करते हैं तो आपका यह दायित्व तो बनता है कि जूनियर्स को आप इंकरेज करें बोलने की, यह आपकी लीडरशिप को बढ़ाएगा। उनको बताएं, नहीं कभी हो सके उनको कॉपी पे बताएं समझा के, यह आपका बड़प्पन दिखाता है। और उससे आपके अंदर मालूम क्या आएगा, क्या गजब की फीलिंग आएगी, मां की कसम, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट इट, राइट। After that, we have interpersonal skill. Interpersonal, you understand? It is all about person to person, right? Interpersonal skill is all about the skill which connects you to others. For example, आपने कभी ऐसा हुआ हो कि अगर अपनी बात मुझे बताई हो और मैंने ना सुना हो, बहुत रेयर केस में, राइट,
आप जब बताते हैं, मेरे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा सुनता हूं, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है उस टाइम, लेकिन सुनता आपको ऐसा हूं कि आपको ये एहसास ना हो कि यार अब्दुल्ला सर इज इग्नोर कर रहे हैं। Why? Because interpersonal risk. एक बार आपको ये लग गया कि अब्दुल्ला सर घमंडी हैं, अब्दुल्ला सर बेकार हैं, निगेटिव हैं, तो यू विल नॉट लव टू टॉक टू मी, आप मुझसे बात करना चाहेंगे, समझ रहे हैं ना। दैट इज वाई बी डाउन टू अर्थ एंड बी वेरी गुड फ्रेंडली विद द अदर पीपल, राइट। दिस विल गिव यू, ये जो आपको देगा ना, द रिलैक्सेशन एंड द कामनेस इन योर हार्ट एंड द ग्रेट कम्युनिकेशन, राइट। इंग्लिश इज जस्ट ओके फाइन, बट इट विल गिव यू अ ग्रेट कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, मैं इंट्रापर्सनल के लिए कुछ चीजें लिखना चाहूंगा यहां पे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी देगा, जैसे सेल्फ इमेज, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ सपोर्ट, ये सारी चीजें आपके इंट्रापर्सनल में आ जाएगी। खुद को आप कैसे देख रहे हैं, आईने में खुद को देखता हूं तो लगता है कि कोहिनूर का हीरा चमक रहा है, क्यों? क्योंकि आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन, मेरी नाक टेढ़ी हो गई, पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे बना दिया, शायद थोड़ा गोरा बनाता तो ज्यादा अच्छा लगता, राइट। तो ये सारी चीजें प्लीज निकाल दें। आज भी इंग्लिश इसलिए लोग नहीं बोल पा रहे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उनके मन में एक डर है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, या इंग्लिश बहुत हार्ड है, सच बता रहा हूं। यू गॉट इट, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। मैं कैसे इंग्लिश को पूरी तरीके से एकदम बकरी बना दिया हूं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, राइट, यू अंडरस्टैंड, मैं जैसे चाहूं इंग्लिश को जैसे चाहूं बोलूं। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, मैं तो उनको उन्हीं की अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा दूं, ऐसा एटीट्यूड लेके चलता हूं। और ये हकीकत है, और सिखाया भी इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पे अंग्रेजों को भी मैंने लथेड़ा उधर। वाई? बिकॉज आई बिलीव कि आप जिस चीज में घुसो, जिस चीज को जानो, जस्ट यू नो लव इट, केयर इट, एंड जस्ट यू नो सेल्फ अवेयरनेस शुड बी देयर। इसमें एक वर्ड आपका ए भी आ जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ सपोर्ट, एंड इफ दीज 8 वर्ड्स आर विथ यू, यू विल नेवर हैव सेल्फ डाउट, एंड मैक्स नंबर ऑफ द पीपल यूथ्स दे हैव सेल्फ डाउट। बिफोर यू केम टू दिल्ली यू हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स, ओ दिल्ली इज अ यू नो एडवांस सिटी दिस एंड दैट, सो प्लीज डोंट हैव इन योर माइंड्स, दीज वर्ड्स आर रियली नॉट, आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वर्ड्स आई टोल्ड यू दैट्स नॉट, सो प्लीज मेंटेन इट। आर यू हैविंग, ऑल द पीपल, Are you having? Yes. 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 अपने अपने सर से बोलो, राइट, बाल कटवाया ना तो ऐसे बोलो, आर यू रेडी? यस सर, क्या होता है, आर यू रेडी? मलेरिया पकड़ा हुआ है, राइट, आर यू रेडी? That's great. Are you having self care? Are you having self-desire? Yes, sir. Self-motivation? Yes, sir. Self-awareness? Yes, sir. Self-doubt? Yes, sir. Are you having self-esteem? Yes, sir. Are you having self-pity? Okay, are you having self-desire? Yes, sir. Are you having inferior complexities? Yes, sir. Do you understand about everyone, about this? Interpersonal, and then we have RB. What do you mean by RB? Relationship bonding and relationship building. सब कुछ इंसान छोड़ के 99% चीजें छोड़ के इसी पे लगा हुआ है और यही मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंड, और इसी की वजह से कुछ लोग इसी से पीड़ित बैठे हुए हैं, जो आज डिप्रेशन इधर उधर, राइट, चिंता में। आप तो सर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम एक ही को नहीं चला पा रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वट यू नीड टू डू, सेम 70-30 वाला फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर, बट अनदर थिंग इज दैट Never expect for the change. Relationship building and relationship management is all about. Never try to have a lot of expectations. Respect the relation. Simple is that, right? For example, what do? We are a child. We become teens. यहाँ पे हमारे पास stages होते हैं. जैसे पहले हम embryo बनते हैं, right? माँ के कोख में fetus बनते हैं, right?
उसके बाद हम बेबी बन के आते हैं, बेबी के बाद हम जो है कि प्रीटीन्स बन जाते हैं, प्रीटीन्स के बाद हम टीन बन जाते हैं, और टीन के बाद हम एडल्ट बन जाते हैं, और एडल्ट के बाद ओल्ड बन जाते हैं, ओल्ड के बाद हम ग्रेव या क्रेमेटोरियम में चले जाते हैं, शमशान घाट या कब्रिस्तान में। सिंपल सी बात। अब यहाँ एम्ब्रियो फेटस सारी चीजें हुई। अच्छा, अगर आप माँ की कोख से आ गए और पैदा हो गए और आप बैठे, इसका मतलब योगदान हो गया मम्मी पापा का। लेकिन फिर अगर आपको मम्मी पापा कुछ नहीं दे पाते हैं, मान लो उस लेवल के लाइफ स्टाइल नहीं दे पाते जो अपने दोस्तों की आपके, तो आपके माइंड में एक निगेटिव केमिकल जनरेट होता है, मेरे पापा ने क्या किया। अब वो धीरे 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 मेरे पापा ने क्या किया, ये सवाल पूछते 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 पापा के लिए निगेटिव फीलिंग आ गई, रिलेशनशिप बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए पापा ने पैदा कर दिया, मम्मी ने जो उनकी लेवल में था, लिमिट में था, उन्होंने किया। अब अगर मैं उस काबिल हूं तो अब मैं करूं, ना कि उनसे सवाल करूं और यह सवाल करूं कि मेरे पापा ने क्या किया। रिलेशनशिप रिस्पेक्ट यही होती है। मेरी बीवी सब कुछ छोड़ के, मेरी नहीं मतलब जिसकी भी, मेरी बीवी सब कुछ छोड़ के आई है मेरे लिए, उसने सब कुछ भुला दिया, छोड़ दिया मेरे लिए, अब मैं उसकी इज्जत करूं और अब उससे कहूं कि खाना पका तो पका, कपड़ा धुल तो धुल, इसका मतलब रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं है। यू आर एक्टिंग लाइक अ नौकरानी, राइट? सो दैट इज व्हाट रिलेशनशिप विल बी ब्रोकन। अगर रिलेशनशिप में मैं मानता हूं कि 50-50 चले तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, चला दो 50-50, कोई डोमिनेट ना करे। सो नाउ आई विल जस्ट यू नो टॉक अबाउट, यस आई जस्ट टोल्ड अबाउट आरबी रिलेशनशिप बिल्डिंग, देन वी हैव मैनेजमेंट स्किल्स, ऑपरेशनल स्किल्स, कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी चीज आपको पता है। सोशल स्किल्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो वी विल अपडेट बाय इवनिंग, राइट? अभी इस पे ना वो खातिब हो गए, कुछ और मुखातिब कर लिया जाए, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल स्किल्स। लेट मी नो हाउ मेनी पीपल फेस दिस इशू। नहीं, जेन्युइनली राइट, मैक्स आई थिंक सोशल स्किल्स, राइट? वेरी शर्म, यू नॉट सोशली इन्वॉल्व, या यू फेस इट, राइट? यू फेस इट, राइट? यू ऑल्सो फेस इट। सोशल स्किल्स इज ऑल अबाउट अप्रोच सोशल स्किल्स इन दिस, you know, first what you need to do, we need to just first approach, that's it. If you want to build your social skills, approach first, never wait for the approach, right? What you do, I have always seen you, you never approach. Mu latkaak baithe hain 7 kilo ka and ab bol nahi rahe, it's like pata nahi kya ho gaya. Or most of the times I have seen you that you just sit with one person and you sit daily with that person, same person, because you are comfortable. And how your social skills will be built, right, Mahek? Right? So you have to talk to different people, and what you need to do, approach. Hello sir. Pehle handshake, right? Hello sir, good morning. Good morning. Hello sir, I want purchase new car, can you suggest me? Dar aa rahi, more loudly. Hello sir, I want a new car purchase, can you suggest me? Because I am first time purchasing a new car, can you suggest? Yes, kyun hai? Car lehni hai, you want to buy the car? Okay, fine. Okay, you want the car? Yes sir, I want to purchase a new car. So my budget 20 to 25 lakh around, so can you suggest me? Please give a huge round of applause for Inder. Actually, you have some sore throat issue. Okay, fine. Yes, I'm playing. I'm busy in just playing the football. Yeah. Hello, can I join? So, can I join? Yes, you may join. Sure. Definitely. You want to play? Yes. Okay, you can join. Okay, give a huge round of applause for Khushi. हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? सब्जी वाले को सर बोल रहे हैं, बड़ी इज्जत है सर, रिस्पेक्टेबल, क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस, अच्छी आदत है, इट्स अ गुड हैबिट। ओके, वंस मोर, हेलो भैया, हाउ आर यू, थोड़ा लाउड बोलिए ताकि द वॉइस शुड गो टू ईच एंड एवरीवन। हेलो भैया, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन एज़ वेल। आई वुड लाइक टू बाय सम वेजिटेबल्स। लाइक टू बाय सम वेजिटेबल्स? यस। फाइन, यू कैन बाय। ओके, सो हाउ मच इज टोमेटोज to per kg, and how much are the onions?
4. So I would like to buy half kg of onions and half kg of tomatoes. हम दोनों हैं और कोई है नहीं, और आपके पास भी लेजर टाइम, हमारे पास भी लेजर टाइम है, क्या सवाल हो सकता है? What do you mean by laser time? Free time. I would maybe inquire you about your life. How are you doing in your life? What are the challenges you are facing? मतलब socially आप अभी update हो रहे हैं, involve हो रहे हैं. हाँ. Right? Yes. Change आ रहा है. A little bit. Little bit. Yes. ठीक है. अब मैं जो है धोबी हूँ. I'm a washerman. Come on. Hello, Vijay. How are you today? I'm fine. How are you? I'm fine as well. What's happening in life? Everything is good. Work is good. अब आपको ऐसे रूड से भी लोग मिल सकते हैं, या वैसे इशारे इशारे में बात कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अब आप उस वक्त अपने आप को बैलेंस कैसे रखते हैं? So, what are your rates for my rate? Rate for the cloth? Yes. I'll just charge 400 rupees for a pair of cloth. Don't you think that's a bit expensive? No, it's I'm talking about the dry cleaning. Okay. What for regular washing, regular laundry? That's for 80 rupees. So I had 5 clothes that I wanted to. I had 5 clothes, so that's all. Yeah, I'll give you some discounts, right? Just for 400 rupees, so I'll just give 50 rupees discount. I'll charge 350. Okay, that's fine. That's fine? Yes. All right. That's great. Okay, please give everyone an applause for.